बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा हरी मटर, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होता है। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप एक मरतबा इस रेसिपी को देखेंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर को गरम करेंगे हाई फ्लेम पे। इसमें हम ऐड करेंगे, ये 1/3 के करीब है रिफाइंड ऑयल। कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल देखिए अच्छे से गरम हो गया। इसमें हम ऐड करेंगे, ये 2 है तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची, हरी इलायची और ये फूल है, और दालचीनी है। इन सबको डाल के बस कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। फिर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको रफली चॉप कर ले सॉरी बारीक बारीक चॉप कर लेना है ऑमलेट कट। और उसमें है ना 2 से 3 है ये कड़ी पत्ता, इसे छोटा छोटे टुकड़े में कर लेना है। उसे हम इसमें डालेंगे। प्याज में हम हल्का सा पिंक कलर आने देंगे। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट होकर पिंक कलर की ना हो जाए। प्याज देखिए लाइट पिंक कलर की हो गई है। इस स्टेज पे हम यहाँ पर है 300 ग्राम के करीब है ये कीमा, मटन कीमा, इसे ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें से अभी पानी काफ़ी सारा रिलीज होगा, इसके लिए हमें इसे भूनना है। अगर इस स्टेज पे आप मसाले डाल देंगे तो इसमें स्मेल रह जाएगी और वो स्मेल बहुत ख़राब लगती है, अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए हमें ना जो भी ये पानी रिलीज़ होगा कीमे का, इसे बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। देखिए कीमे में काफ़ी सारा पानी रिलीज़ हो गया है, इसे हमें ड्राई करना है हाई फ्लेम पर। देखिए कीमे का पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सबको डालने के बाद हमें 1 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमें हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनना है। साथ ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 2 हरी मिर्च है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जैसा तीखा पसंद है आप ऐसा हरी मिर्च डालें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून है कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कीमे में। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और तेल भी सरफेस पर आ गया है। हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है कीमे को। अब हम इसमें 1 कप मतलब के 250 ml के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे और एक मरतबा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे और हम इसकी लीड लगा देंगे और 2 मरतबा हाई फ्लेम पे प्रेशर आने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। गैस के फ्लेम को नेचुरली रिलीज होने देंगे। देखिए ज़बरदस्त हमारा कीमा बन तैयार हो गया है।
इनको अच्छे से 80% हमें कुक करना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप है ये हरी मटर। आप चाहें अगर आप आलू डालना चाहें तो इसी स्टेज पर आप ऐड कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को ऑन करना है। मटर के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचाएंगे। इसमें हम ये लाल मिर्च है 2, इसे ऐड करेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे मीडियम फ्लेम पे एक मरतबा प्रेशर आने देंगे। एक मतलब प्रेशर आने के बाद डायरेक्ट हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस के फ्लेम को हम नेचुरली रिलीज होने देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा कीमा मटर बनकर तैयार हो गया है। हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 लीमू का रस और इसको एक मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा कीमा हरी मटर। इसे हम हरी धनिया से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा हम ये जूलियन अदरक भी डालेंगे। आप इसे किसी भी रोटी नान या फिर चावल के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा बना है। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।